गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये नेम सभी ने सुना हुआ है क्योंकि हमें नेम से भी पता लग रहा है मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इट कंसिस्ट ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो, इसके अंदर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो दोनों के दोनों होंगे, और दोनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब अगर एक एक्स एक्सिस में है तो दूसरा वाई एक्सिस में होगा, एक वाई एक्सिस में है तो दूसरा जेड एक्सिस में होगा। लेकिन ये वर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो होंगे, साथ में और किसके परपेंडिकुलर होंगे? डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक वाई में है एक जेड में है तो थर्ड वन किस में होगा? एक्स में होगा। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में तीनों परपेंडिकुलर होती हैं, उसी तरह से ये तीनों भी हमारे क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। अब देखिए, हमारा मान लो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दिखाने के लिए एक ग्राफ शो किया है। इसके अंदर क्या है? देखो, हमारी वेव हम ये मान रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, हमारी जो वेव है, ये मैंने वेव बनाई है, ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो वाई डायरेक्शन में मैंने क्या बना दिया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी। ठीक है, और जेड डायरेक्शन जो कि बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यहाँ पर क्या होगी? हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई डायरेक्शन में है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा किस में है? जेड डायरेक्शन में है। इट मीन्स ये तीनों के तीनों हमारे क्या होगी? परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इस टाइप की वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या किस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं, आइए अब हम वो डिस्कस करते हैं। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं एक एक्सप्रेशन से, वेयर ई नॉट क्या होता है? मतलब मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ तक जा सकता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एंड के इज वी कैन से इट प्रोपिगेशन कॉन्स्टेंट एज वेल एज वेव नंबर। के इज प्रोपिगेशन कॉन्स्टेंट या वेव नंबर, के को हम क्या बोलते हैं? 2π/λ। के की वैल्यू हो गई हमारी 2π/λ। ठीक है, एक्स एक्स इज द पोजिशन एट एनी इंस्टेंट, ओमेगा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने अल्टरनेटिंग करंट में भी किया था, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारी? 2πf, 2π इंटू फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी। ऐसे बी इज इक्वल टू, हम बी को डिनोट कैसे कर सकते हैं? बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट साइन 2π, हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो एक्स बाय लैम्डा माइनस टी बाय टी, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन। एंड बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन 2π एक्स बाय लैम्डा माइनस टी बाय टी। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक्चुअल में सेम है, हमें दिख ये डिफरेंट रही हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सेम है, फर्स्ट इक्वेशन को मॉडिफाई करके ही हमारी सेकेंड इक्वेशन आई। देखिए कैसे, मैं इधर करके भी दिखा रही हूँ कैसे किया हमने, मैं इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन बना रही हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन से मैं ये वाली इक्वेशन बना रही हूँ, कैसे हुआ अभी हम करते हैं। देखो, अगर मैं k को x बाय लैम्डा पुट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं k को x बाय लैम्डा पुट कर दूँ तो e हमारा क्या हो जाएगा? देखो, e नॉट साइन के को मैंने क्या लिख दिया? 2π/λ। ठीक है, इनटू में एक्स माइनस ओमेगा को भी तो मैं लिख सकती हूँ 2π/T। ठीक है, इसको हम स्मॉल t नहीं लिखेंगे, कैपिटल T क्यों लिख रहे हैं?
ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड, वेव ने कितने टाइम में अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, 2 पाई बाय टी, ये है हमारा फुल टाइम पीरियड और ये है हमारा वेरिंग टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए हमें कितने टाइम के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है इसके अंदर वो टी पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा वो वेव का फुल टाइम पीरियड होगा। तो इज इक्वल टू हमारी इक्वेशन क्या बन गई, देखो अगर साइन 2 पाई हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x बाय लैम्डा माइनस टी बाई टी, तो उसी इक्वेशन से के एक्स माइनस ओमेगा टी से मैंने ये इक्वेशन डिराइव कर ली, तभी मैं कह रही हूँ ये फॉर्म इक्वेशन की और ये फॉर्म दोनों क्या है हमारी सेम। ठीक है, ये थे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। हर किसी की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, लाइक जो रजिस्टर होता है वो रजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है ना। अब इंडक्टर था उसकी भी एक प्रॉपर्टी थी कि वो जो हमारा करंट था उसका अपोज करता था। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी कुछ प्रॉपर्टी हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इट कंसिस्ट ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन भी यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमें नाम से भी पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये दोनों क्या होते हैं हमारे परपेंडिकुलर होते हैं और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के भी क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम इसका डिस्कस करते हैं, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, मतलब इसको प्रोपिगेशन के लिए, इसको ट्रैवलिंग के लिए किसी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, बेसिकली मतलब इसको कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर इसको ट्रैवल करना है तो ये खुद कर सकती है, इसको कोई मीडियम की ज़्यादा कोई नीड नहीं है। ठीक है, थर्ड हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो हमारे जो है नेचर में ट्रांसवर्स होती है। कैसे ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स मोशन होता है एक हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल मोशन। ट्रांसवर्स मोशन में क्या होते हैं हमारे जो वेव्स हैं उसका जो वाइब्रेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब अगर प्रोपेगेशन की डायरेक्शन x है तो जो वेव का मोशन होगा वो अप एंड डाउन हो रहा होगा उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरह से जो इसके अंदर भी है यही होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस डायरेक्शन में जाती है उसके जो वाइब्रेशन है उसके परपेंडिकुलर होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं। ठीक है, तो उसी बेस पे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो हमारी नेचर क्या है उसका ट्रांसवर्स है। नेक्स्ट पॉइंट हम कर रहे हैं इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये वैक्यूम के अंदर मतलब फ्री स्पेस के अंदर इसकी जो स्पीड है वो हमारी जो है लाइट की स्पीड के बराबर है। लाइट की स्पीड हमें पता है कितनी होती है, 3 × 10⁻¹। ठीक है, लाइट की स्पीड होती है हमारी 3 × 10⁻¹। अगर हम इसकी स्पीड निकालना चाहें, ठीक है, अगर ये फ्री स्पेस में जा रही है, अगर हम इसकी स्पीड निकालना चाहते हैं तो सी इज इक्वल टू 1/√μ0 E0। और इन दोनों कांस्टेंट से हम अच्छे से अवेयर हैं कि म्यू नॉट क्या होता है, ई नॉट क्या होता है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। म्यू नॉट जो हमारा होता है वो होता है हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा एब्सोल्यूट परमियबिलिटी, सॉरी म्यू नॉट होता है हमारा, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट आएगा, एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा परमिटिविटी और म्यू नॉट हमारा होता है एब्सोल्यूट परमियबिलिटी। परमिटिविटी भी हमें पता है, ये हम फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं, परमियबिलिटी भी हम थर्ड यूनिट में कर चुके हैं। ठीक है, तो म्यू नॉट 1/√μ0 E0। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं मीडियम में क्या होगा, मीडियम में देखो हमारा क्या होएगा, ये तो स्पेस में जो हम बोलते हैं फ्री स्पेस में हम सी से डिनोट करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट को। अब हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो मीडियम में हमारी क्या होगी वेलोसिटी वी, वी इज इक्वल टू √μ/E। अब म्यू देखो उधर तो म्यू नॉट था, यहाँ पर क्या हो गया हमारा म्यू हो गया, यानी म्यू क्या है हमारा परमियाबिलिटी इन मीडियम, नॉट जो लगाते हैं हम स्पेस के लिए यूज़ कर रहे हैं फ्री स्पेस में,
तो म्यू क्या है हमारा परमियाबिलिटी इन मीडियम एंड एप्सिलॉन क्या है हमारी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अभी तक हमने चार प्रॉपर्टी की हैं कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, वेरिंग होता है और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी होता है। मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ट्रांसवर्स होती है नेचर में, और हमने बताया कि ये जो है फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, ठीक है। और मीडियम में इनकी स्पीड जो है चेंज हो जाती है, उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं 1/√μ/E। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मान लो ये जो वेव है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है और हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमने 10th में भी किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का फॉर्मूला होता है C/V, वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो C की वैल्यू हमने पुट करी, अभी अभी हमने निकाली थी C की वैल्यू 1/√μ/E0, V की वैल्यू 1/√μe, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा μ/μ0εr/εr0, ये हमें कुछ जानी पहचानी सी वैल्यू रख रही है εr/εr0। ये क्या होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जिसको हम K से भी डिनोट करते हैं और εr रिलेटिव परमिटिविटी से भी डिनोट करते हैं। ऐसे μ/μ0 होता है हमारी रिलेटिव परमियाबिलिटी, ठीक है। μ/μ0 है हमारी रिलेटिव परमियाबिलिटी, εr/εr0 है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रेशियो ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, हमारा न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा था रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमने क्या लिया था हमारी इक्वेशन में, हमने इक्वेशन करी थी E=E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, हम जो भी ले सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड उसमें क्या था, E0 था, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होगा, तो हमने बता दिया है जो E0/B0 होगा ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B0 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो कॉन्स्टेंट होगा तो वो किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने 6 प्रॉपर्टी कर ली, तो अब हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या है, एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो भी एनर्जी होती है वो जो होती है इक्वल फॉर्म में होती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में एनर्जी होती है जो हमने करी थी ½CV², एक होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में एनर्जी ½LI², लेकिन हमने देखो इधर तो कुछ डिफरेंट सा लिखा, ½εr0E² इज इक्वल टू B²/2μ0। तो ये हमने कैसे किया भाई, ये हमने कैसे किया, देखो ये हमारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कैसे है देखो, हमारी एनर्जी तो हमने ये किया है ½CV², ये किया है ना। C की जगह मैंने क्या लिख दिया, C की जगह मैं लिख देती हूँ A₀₀D, ठीक है। और V की जगह मैं लिख देती हूँ E/L, ये हमने अच्छे से कर चुके हैं, अपोन में AL। मतलब ये क्या है, हमने ये कैसे लिखी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ ½CV² को पर यूनिट वॉल्यूम निकालती हूँ तो मेरे पास यही आएगा सॉल्व करने के बाद ½εr0E², ठीक है। ऐसे ही अब B²/2μ0 कैसे आया भाई, हमें पता है हमने तो एनर्जी की है ½LI², तो L को मैंने क्या लिखा है, L को मैं यूँ लिख सकती हूँ, सोलिनॉइड के केस में हमारा फॉर्मूला आया था μ₀ n² LA, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और B=μ₀ni, B=μ₀ ni, तो उधर से इसकी वैल्यू आएगी B/μ₀ n² अपोन में AL, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा B²/2μ0। ये हमने ऐसे निकाला है ½εr²=B²/2μ0, ये हमने ½CV² से ही निकाला है और ये हमने ½LI² से ही निकाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम प्रॉपर्टी नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं, ये क्या कहती है, ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम हर चैप्टर में कर रहे हैं मोस्टली, जैसे यूनिट 1 में हमने किया था, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर सम होगा इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ये भी हमारा जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं तो एल्जेब्रिक सम तो हम ले नहीं सकते, तो इसमें भी यही है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, K क्रॉस E = B,
इट मीन्स इससे हम डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं. अगर हमें प्रोपेगेशन की डायरेक्शन दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, तो हम इजीली बी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं. ऐसे ही हमें बी और ई की दे रखी है तो हम के की निकाल सकते हैं. तो आज जो हमने डिस्कस किया है, हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, और इनको ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किया. इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करी वन बाय वन, जो कि इसकी 9 प्रॉपर्टी थी वो अब हमने डिस्कस कर ली, ठीक है.